हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको देखकर तिलमिला क्यों उठते हैं। ओके, जब भी लोगों के सामने आप जाते हैं तो लोग तिलमिला क्यों उठते हैं आपको देखकर, वही देखेंगे हम आज की रीडिंग में। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, या फिर अगर आपको मुझसे क्रिस्टल्स लेने हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह लेने हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। ओके, बॉटम ऑफ डेक आया इंट्रीगेशन। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो लोग आपको देखकर तिलमिला क्यों उठते हैं, या कुछ स्पेसिफिक लोग जो हैं वो आपको जैसे ही देखते हैं तो वो तिलमिला क्यों जाते हैं। सबसे पहले तो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है। ये रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, या मैं कहूँ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं, कि बहुत बुरी लड़ाई झगड़े हो गए थे। ओके, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब हुई है बहुत बुरी, ठीक है। तो वो इंसान जब भी आपको देखते हैं तो तिलमिला उठते हैं, क्योंकि उन्हें आपने छोड़ा है। लाइक नेबर का तो नहीं कहूँगी मैं, बट रिलेशनशिप में अगर आप एक लव रिलेशनशिप में थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे, तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें छोड़ा है, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जो आपको अच्छी नहीं लगती थी आपके आगे के करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लेज़ी हो सकता है। मतलब इसे ये है कि ऐसे आराम की ज़िंदगी जियो, आपके पैसों पे मौज उड़ाना, मतलब आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट हुआ ऐसा हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, या एक अच्छी खासी फील्ड में आप जॉब करते हो वो चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके पैसों का फ़ायदा उठा रहा था, आपको एक ऐसा इंसान समझ रखा था जो इनके खर्चे उठाए। ओके, फिर चाहे ये फ्रेंड हो या आप रिलेशनशिप में थे, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ये था कि आपके पैसों पर मौज मारनी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है। और जब आपने इन सब चीज़ों के लिए मना किया, आपने इनको रोकना टोकना शुरू किया, तब इस इंसान ने आपके साथ या तो रिलेशनशिप ख़त्म कर दी, या जब आपको समझ आया कि ये इंसान तो सिर्फ मुझसे पैसों के लिए प्यार करता है, मेरे पैसों से इसको मतलब है, या इसकी जो दोस्ती है सिर्फ पैसों तक ही सीमित है, तब आपने इस इंसान को छोड़ना बेहतर समझा। और आज की डेट में ना ये इंसान सोचता है कि अगर ये आज भी आपके साथ होता तो इसकी लाइफ बहुत ड्रीम वाली होती। लाइक जो ड्रीम ये देखता था कि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा, जो जी रहा था, मतलब और भी अच्छी जिएगा आपके साथ मैरिज होने के बाद, या आपके साथ जो है आगे तलक रिलेशनशिप रखने के बाद, तो इस इंसान का जो वो ड्रीम था वो ड्रीम ही रह गया है, ठीक है। जो पास्ट में इसने सोचा था कि आपके साथ तो एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी मिलेगी, आपके पैसों पे ये मौज मार सकेगा, फिर चाहे आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, ओके, या बिजनेस पार्टनरशिप में था तो कुछ ना कुछ ये ऐसी झोलबाजी कर रहा था कि आपको समझ नहीं आ रहा था, और ये कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठा रहा था। तो जो भी था, इस इंसान को ये था कि भाई मुझे ऐसे आराम की ज़िंदगी मिलेगी, और वो चीज़ जब इसे नहीं मिली, जब आपने इसको छोड़ दिया, तो अब जब भी आपको ये देखता है व्यक्ति, जब भी ये आपको देखता है, इसकी नज़रें आप पर पड़ती है, ये तिलमिला उठता है।
और इसकी वजह यही है कि जो इसकी ऐशोआराम की ज़िंदगी थी, जो ये जीना चाहता था, जो ये जी रहा था, वो अब इससे छूट गया है। और कहीं ना कहीं आप इसकी विश फुलफ़िल बहुत ज़्यादा करते थे, आप इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, जहाँ इसका मन है घूमने का वहाँ आपने इसे घुमाया। इवन अगर आप लड़की भी हैं तो इस लड़के के आपने बहुत नखरे सहे हैं और इसकी बहुत हेल्प की है फाइनेंशियली। मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ, अगर ये लड़का था ना तो ये ऐसा था कि बस आपसे इसको इसलिए प्यार था कि पैसा है, लाइक पैसा इसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट था और आपकी फीलिंग्स इसके लिए कोई मैटर नहीं करती थी। एंड ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेके आपको मैनिपुलेट बहुत करता था, मतलब आपके साथ मीठी मीठी बातें करना, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता था ताकि ये जो इसका फ़ायदा है, जो फाइनेंशियली इसको फ़ायदा मिल रहा है, वो ये इसको मिलता रहे। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऑफिस में साथ में वर्क करते हैं, कुछ लोग हैं जो साथ में आपके वर्क करते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको एक काम मिल गया तो उस पर सही वक्त पर सही एक्शन लेना। लाइक अगर आपको आपके बॉस ने कोई काम दिया है तो आपको ये रहता है कि भाई मुझे अभी के अभी इसको ख़त्म करना है, मुझे ज़रा भी लेज़ीनेस नहीं दिखानी, मुझे अपना काम टाइम पे ख़त्म करना है ताकि बॉस की नज़र में मैं एक अच्छा एम्प्लॉय साबित हूँ। आपका यही है, या बिजनेस में भी हो तो आप फटफट काम करते होंगे, आपको ये है कि भाई जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी ऑर्डर लेना है, वो चीज़ है। लेकिन ये जो इंसान है ये बहुत लेज़ी हो सकता है, ठीक है, या अगर आपका वर्कर है, या फिर मैं कहूँ ये आपके साथ ऑफिस में काम करने वाला इंसान है, ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है। तो ये आपको देख के तभी तिलमिला उठता है क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि आप ना हमेशा बॉस की नज़र में बहुत अच्छे एम्प्लॉई रहते हो, आपकी वजह से इसको काम करना पड़ जाता है, आपकी वजह से इसके आराम में खलल पड़ जाती है। ये इस वजह से भी तिलमिला उठता है क्योंकि इसके आराम में दखल हो जाती है और कहीं ना कहीं आपकी अबंडेंस देख के, आपकी फैमिली अच्छी है, लाइक आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत खुश है, जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, तो ये आपके पड़ोसी है, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, ये इसलिए आपको देख के तिलमिला उठते हैं क्योंकि ये चीज़ें, ये ऐशो आराम की ज़िंदगी उनके पास नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत ज़्यादा ही अमीर हो, ऐसा नहीं है। जस्ट आप जैसी भी लाइफ स्टाइल अभी जी रहे हो, आप उसमें सेटिस्फाइड हो, आप लोगों से कंप्लेन नहीं करते रहते कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, रोते नहीं रहते आप। और ये इंसान ये है कि ये रोता तो है ही, साथ में ये दिल मिलाता भी है आपकी खुशियों को देख के। आप जिस तरीके से अपने काम में माहिर हैं, मास्टर हैं, और मे भी ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े पर्सन हैं, या आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं लोग आपको लेके बातें तो बनाते हैं कि ये इंसान इतना पॉजिटिव क्यों है, आपका जो ऑरा है कि हमेशा शांत रहना है, ज़्यादा लोगों से आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करनी है, क्यों आर्ग्यूमेंट में पड़ना, अपने काम से मतलब रखना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी लोग तिलमिला उठते हैं। अगर देखोगे ना उसके पीछे कितने लोग हैं, कितना शोर है, लेकिन कैसे हैं उसके पीछे जो परछाइयाँ हैं, वही चीज़ है। या तो उनको ये है कि भाई लड़ाई झगड़े करने हैं, बहुत ज़्यादा मार पीट और एक दूसरे को गालियाँ देना, वो वाली फ़ाइट करना उन्हें ज़्यादा पसंद है, और आपको ये रहता है कि चुप रहूँ मैं ज़्यादा बेहतर है। तब बहुत हद तक आप चुप ही रहते हैं, आर्ग्यूमेंट वगैरह में आप पढ़ते ही नहीं हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा बोलना सही नहीं है या मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वक्त आएगा इसको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ पे वो लोग तिलमिला उठते हैं कि ये इंसान बोल क्यों नहीं रहा, ये इंसान अपने अंदर का गुस्सा निकाल क्यों नहीं रहा है, हम इसको इतना कुछ कह रहे हैं, हम इसको गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन आप यूनिवर्स में, आप डिवाइन में, आप एंजल्स में, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनमें बहुत ज़्यादा ही बिलीव रखते हो, एंड कहीं ना कहीं आप कर्मास पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, एंड आपको ये रहता है कि भाई मुझे नहीं लड़ना, मुझे जवाब नहीं देना, एंड इसलिए आप शांत रहते हो। और वही चीज़ पे ये तिलमिला उठते हैं क्योंकि इन्हें तो यही है कि वही चीज़ होनी चाहिए, मार पीट गाली गलौज वही चीज़ें चाहिए इन्हें, वही चीज़ों में ये उलझे हैं। लेकिन आपको ये, मुझे इस धरती पे जन्म मिला तो किसी और वजह से मिला है, मेरा पर्पस अलग है, मुझे इन शोर शराबे में नहीं फंसना। आपको ये लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा रहते हो, आप शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हो, आपको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, अपनी अबंडेंस जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाइड हो, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती, वो चीज़ें इन्हें रास नहीं आती हैं।
आपको अकेले रहना भी पसंद है, आपको नेचर के साथ जुड़ के रहना, नेचर वॉक करना, ये चीज़ें पसंद है, अपनी फैमिली के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, खुद को बैलेंस रखना, खुद की जो मैं कहूँ इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड है दोनों को बैलेंस रखना, ना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना, ना ज़्यादा ओवर वीक फील करना, ये चीज़ें हैं। आप इक्वालिटी रखते हो, आप बैलेंस रहना पसंद करते हो, आपको ये है कि लाइफ में जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो एंड अपनी लाइफ में खुश रहो, आपको वो चीज़ आपकी वो फिलॉसफी है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके नेबर भी हो सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ मुझे हर तरीके की दिख रही है। कोई आपके साथ इसलिए रिलेशनशिप में था क्योंकि उसे आपसे फाइनेंशियली हेल्प मिल रही थी, आपकी वजह से वो अपनी जो भी ड्रीम थे, जो भी उसकी ज़रूरतें थी पैसे से रिलेटेड, कि उसे शॉपिंग करनी है, उसे घूमने जाना है, उसे बाहर खाना खाने जाना है, वो सारी ज़रूरतें उसकी पूरी हो रही थी और इसलिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए उसे ये था कि हाँ मैं इनके साथ झूठा प्यार का नाटक करता हूँ, इनके साथ मैं कहूँ अच्छा बन के दिखाता हूँ, मतलब बेसिकली फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकती है, कैसी भी, बट फाइनेंशियली यूज़ आपको ज़्यादा कर रहे थे कि फाइनेंशियली आपसे लेन देन था, या फाइनेंशियली उन्हें ऐसा लगता था कि एक ATM मशीन मिल गई है जहाँ से कभी भी पैसा खींच सकते हो, और आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे या इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा फूल बनाते थे वो, इसी वजह से आप पैसों की हेल्प करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे, बट एक वक्त पे आपको समझ आ गया कि नहीं, ये जो इंसान है ये मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए है, तो आपने तभी उस इंसान के साथ कट ऑफ कर लिया, उस इंसान के साथ उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दिया, और अब वो ड्रीम बन गया है उसका, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोच लिया था आपके साथ, उसने ये सोच लिया था कि मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन वो सारे के सारे अब ड्रीम ही बन के रह गए हैं, वो एक सपना बनकर ही रह गए हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप चुभते हैं उनकी नज़रों में, क्योंकि आमना सामना तो हो ही जाता है, मैं भी शायद नेबर हूँ, मैं भी शायद आपके आसपास की ही हूँ, कहीं रहते हो, बहुत पास हो, या एक ही जगह पे जॉब करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा तो है मुझे दिख रहा है, और इसी वजह से उनकी आंखों में आप खटकते हो, आंखों में चुभते हो, इसी वजह से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आपने उनका सपना तोड़ दिया, जो उन्होंने सोचा था कि भाई पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे आपके और अच्छी लाइफ जिएंगे, खुल के जिएंगे, और जो वो चाहते हैं, जो घूमना फिरना, जो भी उनके ड्रीम है वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, और इसी वजह से वो आपसे चिढ़ते हैं, आपको देख के तिलमिला उठते हैं। और देख लेते हैं, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं इनके, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और साथ ही मैं कहूँ ये जो है ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, और इनके लिए ना आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो मैजिशियन है, लाइक जो इस इंसान ने, फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, जो आपके फ्रेंड थे, इनकी नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो मैजिशियन है, लाइक जो इनकी डिमांड रही, जो इन्हें चाहिए फाइनेंशियली, ठीक है, पैसों से रिलेटेड अगर इन्हें जो भी चीज़ चाहिए, आपने इनकी या तो विश बहुत ज़्यादा पूरी की है, पास्ट में जो इन्होंने मांगा वो आपने ला के दिया, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगा था कि चलो मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है कि जिसके सामने मैं मुँह खोलूँगा और वो चीज़ मेरे आगे हाजिर हो जाएगी, और अब वो चीज़ें पूरी हो नहीं रही हैं, फाइनेंशियली वो जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो नहीं रही हैं, इसलिए इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि भाई क्या करें कैसे करें, क्योंकि अब वैसा इंसान मिल नहीं रहा है जो उतना इन पे पैसा खर्च कर सके, उतना इनकी ज़रूरतें पूरी कर सके पैसे से रिलेटेड, ठीक है, तो इस वजह से इनकी रातों की नींदें वैसे भी उड़ गई हैं, और कहीं ना ये आपको स्टॉक भी बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए, कोई और तो नहीं आपको मिल गया है,
वो चीज़ भी है, इन्हें वो चीज़ लग रही है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपको। और इन्हें ये चीज़ लगती है कि भाई ये अकेले हैं तो आप भी अकेले होने चाहिए, वो चीज़ भी रखते हैं कि आपकी लाइफ में ना कोई और आना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई और आ गया, कोई और आपको सच्चा इंसान मिल गया तो इनका तो फिर बिल्कुल ही पत्ता कट जाएगा, फिर तो आप बिल्कुल ही इनको घास नहीं डालोगे, तो वो चीज़ भी है, ठीक है। और इसी वजह से ना इन्हें वो है कि भाई मुझे ना वो पुरानी लाइफ चाहिए, मतलब वो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। अगर देखोगे ना आराम से कान में हेडफोन लगा के इंजॉय करना, कोई पता नहीं, दुनिया में खुले दिल से जीना, दोनों बाएं फैला के, वही चीज़ थी। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, वही चीज़ था। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप पे जाना, ट्रिप प्लान करना, मतलब वो ऐशो आराम की ज़िंदगी ना वो छिन गई है ना, अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ना स्टॉक किया जा रहा है आपको कि भाई आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, कोई आपको पसंद ना आ जाए, कोई एक ऐसा इंसान ना मिल जाए जो आपके साथ लॉयल हो, आप उसकी लॉयल्टी देख के कहीं पिघल ना जाओ, इन्हें भूल ना जाओ। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा भी करने का ट्राई करते होंगे, इसलिए ये आपके सामने भी आते होंगे कि ताकि आपको ये इंसान याद रहे, ताकि आपको ये इंसान याद रहे। और तिलमिला इसलिए उठते हैं आँखों में, इसलिए आप चुभते हो, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते ही नहीं हो, और इसी वजह से ना इस इंसान की आँखों में आप चुभ जाते हो, इसलिए ये तिलमिला उठता है, क्योंकि ये चाह रहा है आपकी लाइफ में वापस आना, क्योंकि इसे आपसे मतलब नहीं है, इसे आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, इसे दिख रहा है तो आपका पैसा, जिस तरीके से आप अबंडेंट लाइफ जी रहे हो वो चीज़ दिख रही है इस इंसान को। और इसी वजह से ये आपके सामने आता रहता होगा, कैसे ना कैसे बहाने से ये आपके सामने आता ही रहता होगा। और ये जस्ट ये चीज़ याद दिलाना चाहता है कि एक वक्त पे रिलेशनशिप थी, एक वक्त पे कुछ था, वो चीज़ है, फिर चाहे फ्रेंड ही क्यों ना हो, ठीक है। मैं लव रिलेशनशिप ही नहीं कहूँगी, फ्रेंड के तौर पे भी कहूँगी कि ये अगर आपके फ्रेंड भी थे तो ये वो चीज़ याद दिलाना चाहते हैं। और जब आप इनको घास नहीं डालते, जब आप इनको अटेंशन नहीं देते, जब आप ज़्यादा नोटिस नहीं करते, तब ये इंसान आग बबूला हो जाता है, तब ये इंसान तिलमिला उठता है इसकी नज़रों में, फिर आप खटकते हो इसकी नज़रों में, आप चुभ जाते हो, क्योंकि आप वैसे अटेंशन दे नहीं रहे ना जैसे ये चाह रहा है आपसे, वही चीज़ है। और कहीं ना कहीं इसको ये भी पता है कि आप सिंगल हो, ठीक है, तो ये ट्राई भी करता रहता है कि नहीं वक्त है, अभी भी वक्त है कि कुछ ना कुछ होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप अपनी जर्नी पे आगे निकले हो। आपको यह है कि मुझे दुनिया के शोर शराबे से दूर रहना, अपने गोल को जानना है, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ और मेरा क्या पर्पस है, आपका वो चीज़ है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा जा रहे हो, मेडिटेशन वगैरह इन सब चीज़ों की ओर ज़्यादा जा रहे हो, तो आप इनकी जो बाहर की दुनिया की बकबक है वैसे भी आप उनसे दूर रह रहे हो, बट हाँ कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आपके अटेंशन मिले, जो इनका ड्रीम था ना वो ड्रीम पूरा हो जाए, वो भी है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी लग रही है कि भाई वो ड्रीम पूरा हो जाए, वो जो मेरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाली थी ना वो चीज़ पूरी हो जाए। एंड इसी वजह से ये आपके सामने आते रहते हैं, क्योंकि भाई आप किंग हो, आप किंग ऑफ पेंटिकल हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने इन्हें बहुत सपोर्ट किया है, इमोशनली सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है, इनकी जो भी विश थी आपने वो पूरी किया, फिर कहीं घूमना फिरना हो, शॉपिंग हो, या जो भी फाइनेंशियली जो भी थी इनकी विश वो आपने पूरी की। और इसी वजह से ना इनकी नज़रों में आप चढ़े हुए भी हो और इनकी नज़रों में आप खटक भी रहे हो इसी वजह से, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाह रहे आपको, और जिस तरीके से आप इनको भाव नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो यही चीज़ मुझे दिख रही है गाइस, ठीक है। और अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ तो 16 हो सकती है, 8 हो सकती है, 17, साथ ही यहाँ पे मुझे दिख रही है 4, 13, 31, 14 और 9, 18, 27, 6, 15, 26 और 24, और यहाँ पे 4, 13, 31 हो सकती है, 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, ओके, यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। और अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे अगस्त, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है मई, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई है, अगर वो रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडियक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे वाटर साइन भी है,
एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है और फायर साइन भी है। तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊंगी। या गाइस आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक से ही चैनल की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दो ताकि चैनल की ग्रोथ में हेल्प हो सके। ठीक है, और या गाइस मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।